हो क्या? She's back. हाँ कौन? Here comes Najma Khan. Hi Pemarki. मैं भी बहुत उदास हूँ आपसे, अबू से. बहुत मिस करती हूँ आप दोनों को. एक खाला हड्डी टूटती है ना तो पता नहीं चलता है. दिखा दें डॉक्टर को. हाँ और बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डी तो जुड़ती भी नहीं है. वो याद है वो अपना अपशमीन चूल्हे की हड्डी टूट गई थी उसकी. अरे टूटी हुई हड्डी के साथ उसे दफनाना पड़ा था. हेलो 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 बोले भी कोई हांडी रोटी भी कर लेती हो कि सारी जिंदगी बर्गर पर ही गुजारा होता रहा तुम्हारा? जी मेरा मतलब है कोई रोटी शोटी भी पकानी आती है तुम्हें? जी आती है, वहां पर सब लोग खुद ही काम करते हैं. शफी ने शगुफ्ता को ये हजार हजार के नोट दिए. शगुफ्ता ने बहस की ना तो फरत और बेजी ने भी उसी का साथ दिया. फिर शफी को और पैसे देना पड़े. आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं. क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? आपने इतना अच्छा ऑर्डर किया था इसलिए पूछ रही थी. हाँ ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है. थैंक यू जिशान. से प्यारी लड़की मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी. हाँ कजिन तुम्हें बुला रहे हैं. I'll call you in a while, okay? Take care. Bye bye. कौन बुला रहा है? सब बेजी के रूम में बुला रहे हैं. उन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ? मैंने बताया कि आप फोन पे बात कर रहे हैं. चले. अच्छा very good, बहुत अच्छा काम किया. Thank you. चले चलो मैं आ रहा हूँ. कुछ कुछ वो समझदार भी हो गया है और संजीदा भी हो गया है वो. खाक रहने दें आप बीजी. खैरियत ये हंगामी मीटिंग के सिलसिले में आइए. आप ही के सिलसिले में. अब आप ये बताइए कि आपने क्या सोचा है? किस बारे में? पढ़ाई के अलावा आपकी और क्या जिम्मेदारियां हैं उसी के बारे में. हाँ पढ़ाई सोचा है, बहुत संजीदगी से सोचा. देखा मैं कह रही थी कि अब ये बहुत संजीदा हो गया है. बेजी आप तो थोड़ी देर चुप रहे. हाँ जी जरा आप बताएं भाईजान को क्या सोचा है आपने. मैं बीए करूंगा, मेरा साइंस की तरफ एप्टीट्यूड नहीं है. बीए? ये आर्ट्स का कौन सा जमाना है बरखुदार? मामू मैं क्या करूं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आती. क्या फायदा है, एक साल फिर जाया हो जाएगा है? मेरा आर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट है. बेटी आप कुछ बोले ना. नहीं बेटा मैं नहीं बोलती, ये तेरी अम्मी जो है ना इसने मेरा मुंह बंद कर दिया है. बेजी को क्या पता आर्ट्स और साइंस का. ठीक है अगर आप लोग जबरदस्ती कर रहे तो मैं बीएससी कर लूंगा, लेकिन होगा वही जो पहले हुआ था, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी. मामू आप तो समझते हैं ना, जब मेरा किसी चीज की तरफ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ. भाई कहता तो ठीक है, जब उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है तो उसको बीए करने दो, लेकिन एक बात मुझे बताओ इसकी क्या गारंटी है कि तुम बीए में संजीदगी से पढ़ोगे? नहीं नहीं ये पढ़ेगा, ये जरूर पढ़ेगा, इसने मुझसे वादा किया है. ये बीए भी करेगा और इसने तो मुझे कहा था कि ये बड़ा होके ना ये कौम का नाम रोशन करेगा. बस बस बेजी आप तो रहने दें. हाँ बताओ. मामू मैं बीए में आपको फर्स्ट डिविजन ला कर दिखाऊंगा. यस ऐसे ही मार है, कुछ भी नहीं करना इसने. ठीक है तुम बीए करो, लेकिन रोजाना कोलिन के साथ तुम कल से लाइब्रेरी जाओगे. कॉलेज तो तुम जाओगे नहीं, घर में रहकर क्या करोगे? सुबह उसके साथ जाओ और शाम को वापस आओ. मगर मैं लाइब्रेरी में क्या करूंगा? बीचो कॉलिन करेगी, बस बात खत्म. ओके जनाब कोलिन के साथ लाइब्रेरी जा रहे हैं. चलो मेरा काम तो हो जाएगा. अबे जालिम मेरा भी तो सोच, मेरा क्या होगा, वहां तो सिर्फ किताबें ही होती हैं. मुझे तो कोर्स की किताबें देखकर वहशत होती थी, वहां तो पता नहीं कैसी कैसी किताबें होंगी. अब तो मजबूरी है, जाना तो तुझे पड़ेगा.
तू कोलिन को लेने लाइब्रेरी गया था? हाँ यार, पर देर हो गई। तू कैसा अजीब आदमी है यार, इस काम में भी तो लेट होता है। मैं दो दो घंटे पहले पहुंचा होता था। तुम फारिग हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, वहां काम करता हूँ, देर हो जाती है। अच्छा खैर, मैं लुकमान मामू से नज्म ले आया था। उसका क्या करेंगे? मैंने सारा सोच लिया, तू कल मुझे और कोलिन को लाइब्रेरी लेकर जाएगा। शुक्रिया। आपसे बात करनी है। बात तो हमेशा ही करनी होती है। बहुत जरूरी बात करनी है। हुक्म। वो नजमा खाला आई हुई है ना? नजमा खाला तो काफी दिनों से तशरीफ लाई हुई है, इसमें तो कोई जरूरी बात ना हुई ना? वो कोलिन के लिए रिश्ता लाई है। क्या कहा, रिश्ता लाई है? उन्हें किसने कहा कि वो इतनी फिक्र करती फिरे? खाला है मेरी, वो क्यों ना फिक्र करे, और इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं भी सोच रहा था कि नजमा खाला काफी दिनों से तशरीफ लाई हुई है और अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, तो इस दफा ये शोशा लेकर आई है? इसमें शोशी की क्या बात है, जवान लड़की है, रिश्ते आएंगे, अच्छा है देख ली। मुझे फैमिली से बाहर रिश्ता नहीं करना, लड़के घर में मौजूद हैं, और फिर एक ही तजर्बा काफी नहीं है फैमिली से बाहर का? जरूरी तो नहीं कि सारे लोग बुरे निकलें। आप कैसे कहते हैं कि रिश्ता बाहर नहीं करना, घर में करना? आप मुझे ये बताइए कि शगुफ्ता भाभी या शफी भाई ने कभी आपसे पूछा? जब वक्त आएगा ना तो वो बात भी कर लेंगे। आप बात करके देख लें, शगुफ्ता भाभी कभी नहीं मानेगी, वो ये रिश्ता अपनी भतीजियों से करना चाहती। ये है नजमा खाला, तुम में इस वक्त नजमा खाला बोल रही हैं ना, मैं क्यों बात करूंगा? मैं लड़की का बाप हूं, मैं बात करता हूं वो अच्छा लगता हूं, वो खुद करेंगे। आपको यकीन है? हाँ, अमर अच्छा लड़का है, मुझे यकीन है कि कोलिन के लिए वो रिश्ता जरूर मांगेंगे। देख लेती। लाइट कब जलाइए, पर्दा खोला है, उठो। जंगली, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है, पता नहीं किस पे गए हो। मैंने उठ के क्या करना है? आज से कोलिन के साथ जाना है। मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल से जाऊंगा। ये तो उठा नहीं है, आज इसने जाना है। कहता है कल से जाऊंगा। नहीं नहीं पप्पो, इसको आज ही जाना है, मेरे मतलब है आज से ही जाना है। आपसे नहीं उठ रहा कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। उठा लो अगर उठा सकते हो तो, बहुत ढीठ हड्डी है। मैं देख लेता हूँ। उठ, सारा काम धरे का धरा रह जाएगा, आज ही जाना है, जरा मुंह उधर करके बात करना। सो गया? ओ भाई उठ। यार क्या है यार, काम तेरा और नींद मेरी खराब। मेरे भाई जल्दी उठ जा, चाचू के तैयार होने से पहले निकलना है। अच्छा यार, तू भी क्या याद करेगा, हमने तो दूसरों के लिए कुर्बान होना ही सीखा। शेर याद कर ली? हाँ सुनाओ। नहीं नहीं वो अपनी डायरी में लिख ली अपनी राइटिंग से। हाँ। और शहरों के नाम? हाँ शहरों के नाम भी याद कर लिए यार, 3 बजे है रात के, इतने लंबे लंबे नाम रखते हैं, शुरू में आखिर में फिर वही नाम। अच्छा अच्छा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दे जरा। एक मिनट। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम ज्यादा फ्री नहीं हो रहे हो? ठीक है, मैं कपड़े निकालने बैठ जाता हूँ, और लेट हो जाएंगे, मुझे तो कोई इतराज नहीं। अच्छा तू जा, मैं निकाल लेता हूँ। That's like a good boy. चाहिए पी रहे? नहीं बस। हेलो, अरे भाई कॉल किया है तो बोलो भी। ये
एक तो यहाँ पर इतनी डम कॉल्स आती हैं, कोई फोन करता है वो बोलता ही नहीं। तो फोन मत उठाया करो। क्या मतलब? मतलब ये पाकिस्तान है अमेरिका नहीं, यहाँ क्रॉस लाइंस मिलती रहती हैं, फोन कहीं मिलाओ और मिल कहीं और जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी आवाज सुन के फोन काटता है। इन फजूल बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। औरत चाहे अमेरिका में रहे चाहे पाकिस्तान में, औरत औरत ही रहती है। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैंने पहले फोन किया था, तुम्हारी बीवी ने फोन उठाया, मैंने मन कर दिया। पता है, मैं तुम्हें ऑफिस पहुंच के कॉल बैक करता हूँ। ओके। बहुत गंदी हैंडराइटिंग है तेरी यार। कम से कम तुझ जैसे आदमी को ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं देख के ठीक लिख लेता हूँ। तूने तो नज़म कॉपी किया फिर भी इतनी गलतियाँ। अच्छा अच्छा, एहसान करके जताने वाले इंसान, आगे बता क्या करना है। बस यार देख, तूने ये डायरी एक मर्तबा कोलिन के सामने डैशबोर्ड पे रखनी है, नेचुरली वो डायरी उठाएगी। तो एक मर्तबा वो ये डायरी उठा ले, समझो तेरा काम हो गया। बहुत मकनातीसी नज़म है यार, वो सब तो ठीक है लेकिन ये नज़म बड़ी मुश्किल है, मुझे तो समझ नहीं आई। अगर कोलिन ने इसके बारे में मुझसे कुछ पूछ लिया तो? कुछ भी इधर उधर की मार देना यार, आजाद नज़म का यही फायदा होता है, लिखने वाले को खुद भी पता नहीं होता वो क्या लिख रहा है, जो मुंह में आए बोल देना। और हाँ, ये नज़म नहीं नज़म होता है, लुकमान मामू ने यही बोला था। ये तेरे दोस्त की अपनी नज़म है? कहता तो वो है लेकिन मुझे पता है उसकी नहीं हो सकती, वो तो बच्चों के रिसालों में डेलू के नाम से लिखता है, कहीं से मारी होगी उसने। अच्छा बात सुन, अगर ये डायरी कोलिन ने नहीं उठाई तो? बस कभी अच्छी बात मुंह से ना निकालना। तो नहीं उठाई तो फिर कुछ और सोचेंगे। यही बेटा। बेजी अरे बेजी देख के ऐसी जवानी में चोट लगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बैठे हुए हो? जी बेजी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं जिंदगी में संजीदा हो गया हूँ, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं, नो एक्टिविटीज, सिर्फ पढ़ाई। मैं रोज सुबह कॉलिन के साथ लाइब्रेरी जाऊंगा, रोज शाम को वापस आऊंगा, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ किताबें। इसका मतलब हुआ कि तबीयत ठीक तो ना हुई ना? बेजी तंज की नहीं हो रही, आपको तो मुझे हौसला देना चाहिए। बेजी ये ठीक कह रहा है, अभी सुधर गया है। हाँ, तू तो बोलेगा मतलब इंसान और ब्रूटस। बेटा अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है मेरा बच्चा, बहुत अच्छी। मैं जरा कोलिन को देख के आता हूँ और समी मामू को भी। जीता रहे मेरा बच्चा, खुश रहो। नॉक 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 नॉक। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, और तुम सुबह सुबह कैसे उठ गए, पेट में दर्द हो रहा था? कजन मैं आज से बदल गया हूँ, मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आ गया, मैं अब से रोज तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाऊंगा। वैसे मुझे खबर तो हुई थी इस बात की लेकिन मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया था, क्योंकि लाइब्रेरी में तो बुक्स होती हैं, और तुम्हारा क्या काम वहां पे? मैं संजीदा हूं, वरना मैं अपनी नींद कुर्बान करता। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी करो, मैं जल्दी से पढ़ लिख कर जल्दी से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। सही है, कुछ डिसाइड किया है क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं तुमने? हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ू, क्या ख्याल है? नॉट अ बैड आइडिया। चलो जल्दी करो ना, बाबा नाश्ता कर रहे हैं, वो जाएंगे तो हम जाएंगे ना, थोड़ी देर रुक जाओ। वो एक्चुअली हमजा है ना, वो
उससे मैंने बात की है, वो उसी तरफ जा रहा था तो वो हमें ड्रॉप कर देगा। चलो जल्दी करो ना बेचारा, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा चलो। और हाँ वो शेरी जरा टेप साथ रख लेना। वहाँ गाना सुन सकते? जी नहीं, मैं स्कॉच टेप की बात कर रही हूँ। लाइब्रेरी में खामोशी चाहिए होती ना, और तुम्हारा मुंह तो बंद नहीं होता, तो मैं मुंह पे लगानी है। आ जाओ। वेरी फाइन। यस यार, हद कर दी तुम लोगों ने, इतनी देर कर दी है, मुझे ऑफिस से आना है भाई। हाँ कजन, अब हम रेडी हैं, चल। सुनो हमजा, अगर तुम लेट हो रहे हो तो इट्स ऑल राइट, वो अबू हमें ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ बेटा, वो समी नाश्ता कर रहे हैं वहाँ पे, अभी आ जाते हैं तुम्हें ले जाएंगे। नहीं बेजी, वो समी चाचू खाम खा परेशान होंगे, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था इन लोगों को। चलें शेरी। चलो। अच्छा बेटा, अब ये नालायक तुम्हारे हवाले है, इसको सीधा करना। बेजी आपको वो वाली मिसाल याद है ना, वो वाली, समझ गई ना? बस अब तुम्हें ठीक करना है इसको। बेजी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई ना खराब हो। मेरी बेइज्जती हो रही है, तू बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चल। मैं कहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, चलो चल। अच्छा बेबी, खुदा हाफिज़। जीते रहो मेरे बच्चों, खैर जाओ मेरे बच्चों। ओके बेजी, ओके बेजी, इधर वन 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 वन, बाय बाय। ओके मैं सदके हो जाऊँ बच्चों पे, इतने प्यारे बच्चे मेरे, अल्लाह खुश रखे। हाँ सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है। चिराज तुम्हें पता है कि पार्लियामेंट हाउस है? अच्छा, तुम्हें किसने बताया? वो हमजा मुझे उस दिन बता रहा था कि पार्लियामेंट हाउस है। वाकई? हाँ, कितनी अजीब सी बात है ना, मैं तो शहर में रहती नहीं हूँ। इसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। या कजन, तुम किसी क्विज प्रोग्राम में हिस्सा क्यों नहीं लेते? तुम लोग मिलकर मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हो। कभी कभी इंसान मोंगी मार देता है कोलिन, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। सॉरी कजन, वो मैं मजाक कर रही थी। हाँ इट्स ओके। यार हमजा, वो इस साल की डायरियां नहीं छपी अब तक? नहीं अभी तक नहीं छपी। क्यों? कुछ नहीं, वो एक चाहिए मुझे। ये तुम्हारे ऑफिस की डायरी है? हाँ ये मेरे ऑफिस की डायरी। कोलिन जरा दिखाना। हाँ अच्छी डायरी है। शिराज ये डायरी मत खोलना, ये मेरी पर्सनल डायरी है। ओके यार कजन, हमसे क्या छुपाना, क्यों गोलिन? हाँ क्यों, छुपाने वाली कौन सी बात है? चेरिस में मेरी पर्सनल चीजें हैं, प्लीज मत खोलो। हाँ पहले पेज पर लिखा है, इसमें मेरी कुछ पर्सनल नज़में हैं, मेरी इजाजत के बगैर प्लीज इन्हें कोई ना पढ़े। हमजा वाह कजन, तुम शायर कब से हो गए? रियली शिराज, तुम पढ़ के सुना ना प्लीज। शिराज देखो ये ज्यादती है, मैं किसी को अपनी नज़में नहीं सुनाता। अरे यार हम किसी थोड़ी हैं, हम तो कजन्स हैं। क्यों कजन? बिल्कुल कजन, तुम सुना ना। हाँ। रेशम लम्हों का हिसाब, कुछ तुम कुछ कुछ मैं, मेरे हिस्से आता है आवाज पर तैरता हवा का सिरा, जो मैंने थाम लिया, और सुर्ख कालीन पर बैठे दो साए, एक दूसरे से बहुत दूर, उठती पलकों पे तोले नए मौसम का वजन, और तुम्हारे जलाए चंद सवाल, जो मैंने सर्द रातों को तापे, उदास सांसें और उनकी तासीरें। वाओ, आई कांट बिलीव दिस हमजा, ये सब कुछ तुमने लिखा है? अब शिराज मुझे दिखाओ डायरी। हाँ कभी कभी लिख लेता हूँ, तुक्के मार लेता हूँ। तुक्के मार लेते हो? तुम्हारा मतलब है कि तुकबंदी? हाँ हाँ वही वही वही। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमजा, कि तो बहुत अच्छी है, तुम कब से लिख रहे हो? रात से, मेरा मतलब है रातों को लिखता हूँ। आगे कुछ नहीं है, बस एक ही नज़्म है? हाँ वो रात को देर हो गई थी इसलिए एक ही लिख पाया, पहले रफ लिखता हूँ फिर इसमें उतारता हूँ, बाकी नज़्में घर पर हैं। यार कजन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। सच्ची बात बताओ हमजा, ये बहुत अच्छी है और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अच्छा बात सुनो,
घर जाके तो मुझे अपनी ऑर्नर्स में सुनाओगे ना? ठीक है, पढ़ा दूंगा। इसे सरप्राइज, आई स्वेयर सच्ची बात है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आई मीन तुम और शायरी? हाँ वाकई, इसकी शक्ल से ही नहीं लगता कि ये तो शायर है। हाँ क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छी भली तो है। मैं बाकी नज़्में घर जाके पढ़ूंगी। ओके एंड बाय द वे थैंक्स फॉर द लिफ्ट। इट्स ओके, यू वेलकम। थैंक यू कजन, अच्छी नज़्म थी, लिखते रहा करो, कीप अप द गुड वर्क। ये तो बहुत खौफनाक जगह है कजन, मुझे साथ ले लेके चलना, मुझे डर लग रहा है। हाँ छोड़ो, तमीज से चलो, लाइब्रेरी है, खतरनाक जगह, आओ। करेले? शराज और मेरीन तो करेले खाएंगे नहीं, उनके लिए मुर्गी पकाई है। फरत जी, करेले तैयार है, 2-3 मिनट के बाद उतार दो। क्या बात है, कुछ नाराज सी लग रही हैं। सुबह बेजी ने भी ठीक से बात नहीं की। मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर मुझे क्या पता। नहीं ये कहीं सूट की बात तो नहीं शायद। मेरा ख्याल है। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, मैंने कोई गलत बात तो नहीं ना की? हर बात करने का कोई तरीका होता है, यही बात आराम से भी की जा सकती थी। तुमने तो मुंह पर दे मारी, वो इतने शौक से लेकर आई थी तुम्हारे लिए वो सूट। भाई वो मुझे पसंद नहीं तो? तो बाद में मुझसे कह देती, मैं बदल कर दूसरा ले आती। जाहिर है उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना। बहरहाल अब क्या हो सकता है, चलो ठीक है दूसरा सूट ले लेना। बात है, परेशान है, किसी ने कुछ कहा? कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। अरे तो क्या लेना है तूने बात करके? बस सबको तकलीफ हो गई होगी ना, कि आगे से बोली क्यों। अच्छा किया जो तूने सूट नहीं लिया, इतना प्यारा सूट था, रंग भी मुझे पसंद था, आपके कहने पे मैंने ना कर दी, सब लोग मुझसे नाराज हो गए। हाँ तो मैं तेरी दुश्मन हूँ क्या? अरे इतनी दूर से आती हूँ मैं तेरे लिए, तेरी माँ को जबान दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी है, किराया भी खर्च करूँ, ऊपर से तेरी बातें भी सुनो। खाला ये मेरा मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था तेरा? बस तू मेरा बंदोबस्त कर दे, मुझे रक्षा मंगा दे, मैं जाऊं। मेरी बात तो सुने खाला। बस मैं जा रही हूँ, यही सुनना रह गया था। खाला खाला मैं आगे परेशान हूँ, ऊपर से आप जा रही हैं, कसम से मेरा ये मतलब नहीं था। ना जाए ना खाला, देखिए मैंने समी से रिश्ते की भी बात की हुई है, वो भी आपको बतानी। अच्छा क्या कहा उस घुग्गू ने? आपने फिर घुग्गू कहा? अच्छा चल छोड़ना, बता क्या कहा। वो नहीं माने,
کہتے ہیں رشتہ گھر میں ہی کریں گے. ارے شگفتہ بات بھی تو کرے, وہ تو میسنی بنی بیٹھی ہے. سمی کہہ رہے تھے کہ وقت آنے پر وہ لوگ خود بات کریں گے. وہ لوگ بات نہیں کریں گے, تم لوگ بیٹھے رہو انتظار میں. کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ کچھ نہیں آغا جی, بس صفائی کر رہی تھی. ارے صفائی تو ہوتی رہی, بیٹھو کچھ باتیں کر رہا ہوں تم سے. بیٹا تم یہاں خوش تو ہو نا؟ ذیشان تمہارا خیال رکھتا ہے, اچھا ہے تمہارے ساتھ؟ جی آغا جی. تمہاری آنٹی تیز مزاج کی ہیں, کبھی تلخ بات کر جاتی ہیں, ان کی بات کا برانا منانا دل کی بہت اچھی ہیں. جی. اور بیٹا اب کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی الجھن ہو تو مجھ سے بات کر لینا. تمہارے امی ابو باہر ہیں نا, میں تو یہاں پر ہوں. آغا جی آپ بالکل پریشان مت ہو. اچھا میں ذرا باہر جا رہا ہوں, تم ایسا کرو تم تیار ہو جاؤ, میں تمہیں شفی صاحب کے ڈراپ کر دوں گا. ٹھیک ہے آغا جی, میں آنٹی سے پوچھ لوں. وہ گھر میں نہیں ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. کہیں باہر گئی ہیں؟ ہاں وہ بھی دیر سے آئیں گی اور ذیشان بھی لیٹ آئے گا, مجھے بھی کچھ کام ہے. تم جلدی تیار ہو جاؤ, گھر میں بیٹھ کے اکیلی کیا کرو گی. ٹھیک ہے آغا جی, پھر میں ذیشان کو کال کر کے بتا دیتی ہوں. ہاں ہاں فون کر کے بتا دو. اوکے ٹھیک. کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں. وہ ایکچولی مریم پاس ہو تو بات نہیں ہو پاتی. آئی انڈرسٹینڈ. پھر کیا سوچا تم نے؟ کرشنا میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. دیکھو ذیشان میں نے بہت سوچا ہے لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا. لیکن میری بات سنو پلیز, تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے, تم نے نئی زندگی شروع کی ہے اور اس سب میں تمہاری بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کیوں سفر کرے؟ اور پھر اگر اس طرح سے ہو بھی جائے جیسے تم چاہتے ہو تو تائی جان نہیں مانیں گی. اور مریم کو دکھی کر کے میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی. تم اس کی طرف توجہ دو, میں نے سنا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کرشنا, میں صرف تمہارے ساتھ خوش رہ سکوں گا. اور جہاں تک بات رہی میرے گھر والوں کی تو ان کو عقل آ چکی ہے, امی مان جائیں گی اور اگر نہ بھی مانی تو میں الگ ہو جاؤں گا. اپنے طور پہ فیصلے کرنے کی عادت گئی نہیں تمہاری. میں کہہ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور میں اتنی سیلفش نہیں ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دوں. تم نہیں بھی مانو گی نا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا. وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا, اس کی وجہ کم از کم میں نہیں بنوں گی. سوری ذیشان, ہو سکے تو اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو اور مجھے دوبارہ فون نہیں کرنا. بائے. بیٹا تم تیار نہیں ہوئی؟ آغا جی میں ذیشان کو کال کر رہی ہوں لیکن اس کا فون نہیں مل رہا, کنٹینیوس انگیج آ رہا ہے. تو فون خراب ہوگا, وہاں جا کے فون کر کے بتا دینا. تم جلدی تیار ہو جاؤ, مجھے دیر ہو رہی ہے بیٹا. بس آغا جی دو منٹ, ابھی آئی. کیا کر رہے تھے تم؟ یہ بھی سبجیکٹ میں آتا.
कौन सी किताब उठा के ले आया तुम? ये फिलॉसफी पर। ओह, इतनी मोटी किताब तुम पढ़ोगे? हाँ, फिलॉसफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट दिस इज माय फेवरेट बुक, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। ओह वंडरफुल वंडरफुल। यार कजन, यहां ब्रेक नहीं होती। स्कूल नहीं है, ये लाइब्रेरी है। यहां किसी भी वक्त उठ के तुम ब्रेक ले सकते हो, जा सकते हो, लेकिन यहां एक चीज अलाउड नहीं है, ऊंचा बोलना, समझ आई? ओके ओके, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, नहीं बोलता। खुश तो वैसे कह रहा था कि अगर बीच में थोड़ी बहुत गपशप करें तो फ्रेश हो जाते। ये क्या बात हुई, पागलों की तरह पढ़ते जाओ, कोई नहीं। ओके ओके, समझ गया, नहीं बोलता। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो अच्छी भली हूँ। तुम सुनाओ, अक्सर ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द रहता है ना तुम्हें? मैं बीमार नहीं रहती, वो तो तुम रहती हो बीमार लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, कैसा मेरा बेटा, मेरी जान, वो कैसे हो? जीशान के साथ आए हो? नहीं बेटी, वो जीशान तो ऑफिस में थे, अंकल छोड़ कर गए हैं। और खाला आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? मैंने सुना है तुम्हारी सास बड़ी तेज और नकचड़ी औरत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मरियम बेटी, चाय पियोगी या ठंडा? चाय पियूंगी। ठीक। कोलीन नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, वो लाइब्रेरी गई हुई है, अगर तुम फोन कर देती सुबह तो वो ना जाती। मेरे ख्याल में आने वाली होगी, अब घंटे तक आ जाएगी। अम्मी से बात हुई तुम्हारी? जी, दो रोज पहले हुई थी। बिल्कुल ठीक है। दीजिए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, तुम अपनी सुनाओ, हम तो बस अपनी जिंदगी गुजार चले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। यार ये क्लाइंट्स को भी राम करना अजाब है, पार्टी काफी फंसी थी। हाँ वैसे हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई है, क्लाइंट्स वर क्वाइट इम्प्रेस्ड। हाँ अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ अपने केबिन में, कुछ फायर कोटेशंस भी तैयार करनी है। यार चाय तो पी के जा। नहीं यार, बस ये काम जल्दी से खत्म करूं, क्योंकि कल फिर घर भी निकलना है। अच्छा तू बता, तू कब जा रहा है घर? यार तू हुआ, मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। चल फिर। ओके ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और बाकी घर वाले कैसे? यहाँ सब लोग ठीक हैं बेटा। और क्या हो रहा था? मैं और बेजी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे बेटा। कब आ रहे हो? मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा अम्मी। हर बार कह देते हो नेक्स्ट वीक, कब आएगा तुम्हारा नेक्स्ट वीक? अम्मी छुट्टी मिल गई है, इंशाल्लाह आ रहा हूँ मैं। अच्छा ये लो, बेजी से बात करो। हाँ दुकाओ, मेरी बात कराओ। हेलो। जी बेजी। अरे मेरा बच्चा, मैं सद के जाओ, तू ठीक तो है मेरा बेटा? हाँ सेहत ठीक है ना तेरी? अरे बच्चे तू अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई है, मैं तो तेरी शक्ल याद नहीं रही मुझे। आ रहा हूँ बेजी, आ रहा हूँ, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपके पास होगा। आप बताएं, आप ठीक हैं? अरे बेटा तू जल्दी से आ जा मेरा बच्चा। हाँ मेरी चीजें लाने ना भूलना। अच्छा हाँ बेटा, बस तू जल्दी आ, तेरी बेजी इंतजार कर रही है और तेरी अम्मा भी।
जी बेजी, फिर फोन करके आने की तारीख बता दूंगा। सब घर वालों को मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज मेरी जान। अल्लाह जान, अल्लाह जी तारीख आ रहा, अगले हफ्ते आ रहा है इंशाल्लाह, खैर से लेके आए उसको। मरियम, तुम्हें यकीन है कि वो किसी में इन्वॉल्व है? हाँ कुरिन, मैंने कभी उसे खुश नहीं देखा। अजीब खिंचा खिंचा सा रहता है, जैसे मैं हुई ना। और फिर डम कॉल्स, मैं फोन उठाती हूँ तो कोई बोलता ही नहीं है। और अगर वो किसी से बात कर रहा हो, मैं एकदम से आ जाऊँ तो घबरा जाता है। ये देखो, ये क्या है? जिशान की गाड़ी में से मिला, मेरा नहीं है। मरियम, हो सकता है कि आंटी का हो? आंटी का नहीं हो सकता कुलीन, अगर उनका होता तो उन्होंने एक शोर मचा देना था। मरियम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उस रात जब हम डिनर पे गए थे, तभी मुझे ये मिला था। और कुलीन, गाड़ी में से परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी, लेडी परफ्यूम की। तुमने किसी और से बात की? किससे कहूँ कुलीन, आंटी से बात करने का फायदा नहीं है, वो बहुत अजीब रिएक्ट करेंगी। अंकल से मैं कह नहीं सकती, और यहाँ मैं किसी को बताना नहीं चाहती। कुलीन, मैं बहुत परेशान हूँ। मरियम देखो, हो सकता है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वो सब गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। मुझे तसल्ली दे रही हो ना? हालांकि अंदर से तुम भी घबरा गई हो, है ना? हेलो जिशान, मैं मरियम बात कर रही हूँ। बोलो। वो मैं बेजी की तरफ आ गई थी, अंकल मुझे खुद छोड़ कर गए। आपको काफी कॉल किया था लेकिन आपका फोन कंटिन्यूस इंगेज था, तो आप मुझे यहाँ से पिक करते हुए चले जाते। मुझसे पूछ कर गई थी जिशान, अंकल ने मुझसे खुद कहा था और वो खुद मुझे यहाँ ड्रॉप करके गए। और वैसे भी घर पे मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था। जिसके साथ गई थी उसी के साथ वापस आ जाओ, मैं बिजी हूँ ऑफिस में, डोंट कॉल मी अगेन, समझी? वो जीशान कब आ रहा है? वो तो किसी मीटिंग में है, वो नहीं आ सकेंगे, तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? अरे भाई, ये कौन सा वक्त है जाने का? खाना खाकर जाना, क्या कहेंगे वो लोग के खाना खिलाए बगैर भेज दिया। नहीं मामू, मुझे भूख नहीं है, बस मैं चलूंगी। बेटा गया तो है, उसने कुछ कह दिया है? नहीं बेजी, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। अब वो नहीं आ रहे तो मैं चलती हूँ, वैसे भी सुबह की आई हुई हूँ ना। अच्छा ठीक है, हमजा तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नहीं मामू, मुझे आप ड्रॉप करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। अच्छा बेटी, अच्छा बेटा, अच्छा अल्लाह हाफिज। हाफिज बेटा, हाफिज बेटा। मैं कहती हूँ मत बिगाड़े उसकी आदतें। पहली अमरीका की पली बड़ी है, रोज चली जाए करेगी मुंह उठा के, और मुझे नहीं पसंद उसका रोज रोज का वहां आना जाना। अच्छा वो आएगी, उससे कोई बात ना कर देना, खुदा का वास्ता, जो कुछ कहना है मुझे कह लो। ओहो, बड़ी हमदर्दी हो रही है उसे, कोई तावी धागा तो नहीं कर दिया? सलाम क्यों जीशान छोड़कर गया? नहीं आगा जी,
वो नहीं आ सकते थे, उन्हें कोई काम था। कौन ड्रॉप करके गया तुम्हें? तुम्हारा कोई कजन?